सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बात आरआर वर्सेस आरसीबी के मैच के बारे में जो होने वाला है 3:30 बजे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन उन दोनों टीम्स के बीच में और देखेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा ताकतवर लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एकदम फ्री है। और लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत धमाकेदार और मज़ेदार होने वाली है। और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। सो गाइस, अगर हम बात करें इन दोनों टीम्स के इस आईपीएल के रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले, तो अभी तक राजस्थान रॉयल्स ने 3 मैचेस खेले हैं और 1 मैच हारा है और 2 मैच जीते हैं। और यहाँ पे आरसीबी ने भी तीन मैचेस खेले हैं और उनमें से 2 जीते हैं और 1 हारा है। तो दोनों अभी टाई पे ही चल रही हैं अगर इस आईपीएल के रिकॉर्ड की बात करें। और अगर उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आईपीएल में आरसीबी वर्सेज आरआर हुए हैं 21 टाइम्स और आरआर ने 10 टाइम्स जीता है, यहाँ आरसीबी ने 8 टाइम्स। और 9 रिजल्ट हो चुके हैं 3 मैचेस, क्योंकि वो वॉश आउट हो चुके थे। तो यहाँ पे वॉश आउट होने की वजह से आरसीबी थोड़े मैचेस हो सकते हैं नहीं जीत पाई हो, या फिर हो सकता है आरआर थोड़े मैचेस नहीं जीत पाई हो। तो 3 मैचेस वॉश आउट हुए हैं, आरआर ने 10 मैचेस जीते हैं और आरसीबी ने 8। और अगर अब हम बात करें उन दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में, तो जो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 होगी वो कुछ ऐसे होगी। अपर ऑर्डर में मतलब ओपनिंग करने आएंगे जॉस बटलर और स्टीवन स्मिथ, और फिर उनके बाद आएंगे मनन वोरा या फिर महिपाल लोमरोर भी आ सकते हैं, और उनके बाद आएंगे संजू सैमसन। फिर संजू सैमसन के बाद राबू नथप्पा या फिर रियान पराग में से कोई भी आ सकता है। उनके बाद आएंगे राहुल तेवातिया। फिर लोअर ऑर्डर में आएंगे टॉम करन, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, जैते बुनाटकट और अंकित राजपूत। अब अगर आरसीबी के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो फिर ओपनिंग करने आएंगे देवदत्त पड्डीकल और एरन फिंच, और उनके बाद आएंगे विराट कोहली, फिर आएंगे एबीडी विलियर्स, और 5वें नंबर पर आएंगे गुरुप्रीत सिंह मान, और 6ठे नंबर पर आएंगे शिवम दुबे। अब अगर लोअर ऑर्डर की बात करें तो उसमें आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, क्रिस मॉरिस, रुजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी और एडम जैम्पा। अब अगर इनके ऑर्डर्स का कंपैरिजन करें तो फिर जो अपर ऑर्डर है उसमें आरआर के अपर ऑर्डर में बटलर ने अपने पहले मैच में इतना बढ़िया तो नहीं खेला, लेकिन उन्होंने दूसरे मैच में 21 रन बनाए थे, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर है। तो हो सकता है वो इस मैच में अच्छे फॉर्म में रहें या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं रहे। और जो स्टीवन स्मिथ हैं उनने अपने पहले 2 मैचेस में 250 बनाए हैं और 3रे मैच में अर्ली आउट हो गए। तो देखना पड़ेगा इस मैच में क्या होता है। अब अगर आरसीबी के अपर ऑर्डर की बात करें तो उसमें देवदत्त पड्डीकल बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं और एरन फिंच भी। तो यहाँ पे दोनों ही टीम्स का अपर ऑर्डर ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर भी भारी नहीं होएगा, दोनों टीम्स का अपर ऑर्डर मतलब सेम ही लग रहा है। अब अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आरआर के पास बस संजू सैमसन और राहुल तेवाती है जिनने शारजा पे अच्छा खेला था, और दूसरे प्लेयर्स वहाँ पे इतना अच्छा नहीं खेल पाए थे। तो जो आरसीबी है वो ज़्यादा टफ लग रही है मिडिल ऑर्डर में एज़ कम्पेयर टू आरआर, क्योंकि उनने आरआर ने शेख जायद स्टेडियम पे भी नहीं खेला है अभी तक, और आरसीबी ने खेला है, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेडियम है। तो आरसीबी के अगर लोअर ऑर्डर की बात करें तो आरसीबी का बहुत अच्छा सा लोअर ऑर्डर भी है कम्पेयर टू आरआर, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी है और अच्छे पेसर्स भी हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आरआर के पास नहीं है, लेकिन आरसीबी ने उनको बैलेंस करके रखा है अच्छी तरीके से, और लोअर ऑर्डर भी आरसीबी का टफर लग रहा है आरआर के लोअर ऑर्डर से। और जो आरसीबी के बॉलर्स हैं उनने इतने सारे रन्स भी नहीं दिए हैं, यहाँ आरआर के बॉलर्स ने 30 रन से भी ओवर रन्स दिए हैं। तो गाइस अगर हम मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम थोड़ी कमज़ोर लग रही है आरसीबी की टीम के खिलाफ, क्योंकि आरसीबी का पूरा मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बहुत ज़्यादा टफर लग रहा है आरआर की टीम के खिलाफ। तो इसमें इस मैच में आरसीबी के जीतने के चांसेस 60% लग रहे हैं और आरआर के 40%। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी जाके लाइक का बटन दबा दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि इन वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलो फिर अगली वीडियो तक के लिए बाय।